आखिरकार वीरवार नु गुआंडी यूक्रेन ते हमला कर दिता है। रूस ने कीव खारकोव सने कई शहर ते बैलिस्टिक मिसाइल दागिया हन। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दिती। हमले तो बाद कीव हवाई अड्डे नु यूक्रेन वालों खाली करवा लिया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका सने कई देशों द्वारा लगाई गई पाबंदियों की परवाह किए बिना यूक्रेन ते फौजी कार्रवाई का ऐलान किया। पुतिन ने अमरीका ते नाटो नु भी खुली धमकी दी है कि दोहां देशों विचाले दखलंदाजी ना करन, नहीं तो उन्होंने इतिहास के सब तो माड़े नतीजे पैणगे भुगतने। भारत ने रूस ते यूक्रेन विचाले छिड़ी जंग ते अपना पक्ष किया पेश। संयुक्त राष्ट्र विचे भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएसडी मूर्ति ने कहा कि असी जंग नु तुरंत मुलतवी करन दी अपील करते हैं। स्थिति इक वड्डे संकट विच बदलन दी कगार ते है। जेकर सावधानी नाल काम नहीं लिया गया तो यह सुरक्षा नु कमजोर कर सकदा है। रूस ते यूक्रेन विचाले छिड़ी जंग ते अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वह ये पूरे मामले ते नजर रखे हुए ने। कल G7 ते नाटो समूह दे देशां दे नाल करनगे बैठक। उन्हें कहा कि दुनिया इस युद्ध कारण हुई मौतां ते तबाही लई रूस नूं ठहराएगी जिम्मेवार। रूस वालों मिजाइल दागन तो बाद हुण यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्होंने लुहानसक खेतर विच पहुंचे रूसी जहाज ते एक रूसी हैलीकॉप्टर नूं मार सुट्टिया। न्यूज एजेंसी राइटर्स वालों दी गई इस दी जानकारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान करने तो बाद यूक्रेन नूं अपना हवाई खेतर बंद कर दिता। इस दौरान कांग्रेस के बुलारे रणदीप सिंह सुरजेवाल ने भारतीय नागरिकों की चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार की आदत बन गई है कि हर मुश्किल विच मुंह मोड़ लेना ते चुप रहना। रूसी हमले दे विचकार यूक्रेन ने अपने हवाई खेतर बंद कर दिते ने। इस दौरान यूक्रेन दे कीवी रेलवे स्टेशन दे वड्डी गिनती विच भारतीय विद्यार्थी फसे हुए ने। विद्यार्थियों वालों शिकायत की गई है कि भारतीय दूतावास वालों उन्हां दी कोई मदद नहीं की गई। इस दे नाल ही उन्होंने भारत सरकार तो मांग की कि उन्हां नूं जल्दी इत्थों कढ के सुरक्षित थां ते भेजा जावे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने यूक्रेन विच फसे विद्यार्थियों की आजाद और सुरक्षित वापसी लई केंद्र सरकार नूं कीती अपील। भगवंत मान ने एयरलाइंस कंपनियों वालों हवाई टिकटों दी कीमतों विच कीते गए मनमाने वादे खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मान ने विद्यार्थियों ते होर यात्रियों सने एयरलाइंस कंपनियों की इस अन्नी लुट लई केंद्र सरकार नूं ठहराया जिम्मेवार। ड्रग्स मामले में फंसे सीनियर अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली अदालत ने 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज सवेरे अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस दौरान एएसआई बलराज सिंह की अगुवाई वाली एसआईटी वालों उन्हें तो करीब 1.5 घंटे तक पूछगिछ भी की गई है। पंजाब विधानसभा चोणों लई वोटिंग प्रक्रिया 20 फरवरी को खत्म हो गई थी। इस नाल उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम विच कैद हो गई है। इस दौरान आप दे से इंचार्ज राघव चड्ढा ने चोण कमीशन पत्र लिखे जिस विच उन्होंने पंजाब विच ईवीएम की सुरक्षा वधाउण की मांग की है।